तनिष्क ने सोशल मीडिया पर लगातार हो रही आलोचनाओं के बाद अपना विज्ञापन लिया वापस। अलग अलग समुदाय के शादीशुदा जोड़े से जुड़ा था विज्ञापन। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन वल्लभ भाई कठेरिया का अजीबोगरीब बयान, कहा मोबाइल में गोबर चिप लगाने से बच सकते हैं रेडिएशन से। हाथरस दरिंदगी मामले में सबूत इकट्ठा करने सीबीआई की टीम पहली बार हाथरस पहुंची, घटनास्थल पर किया क्राइम सीन रिक्रिएट। बिहार में जेडीयू ने मौजूदा विधायक, दो पूर्व मंत्री समेत 15 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। दिल्ली में मंगलवार हवा की गुणवत्ता के पैमाने पर इस सीजन का सबसे खराब दिन। एनसीआरबी में प्रदूषण रोकने के लिए हरियाणा में किसानों से पराली खरीदेगी खट्टर सरकार। झारखंड के 83 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ता स्टीन स्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ बेंगलुरु में बनी 3 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन, प्रदर्शनकारियों का आरोप केंद्र के इशारे पर स्टीन को फंसाने की कोशिश। देश में 24 घंटे में 55,342 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, 706 लोगों की गई जान। बीते 24 घंटे में पिछले 2 महीने में सबसे कम नए मरीज मिले। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल रोका, ट्रायल में शामिल शख्स हुआ एक अज्ञात बीमारी का शिकार, काफी एडवांस फेज में थी वैक्सीन। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुए कोविड नेगेटिव, व्हाइट हाउस के डॉक्टर सीन कॉलनी ने दी जानकारी, 10 दिन बाद चुनाव प्रचार में फिर सक्रिय होंगे ट्रंप।